अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हम जा रहे हैं बड़े ब्लेस्ड जो टूर है हमारा, जो हर बंदे का एक ड्रीम होता है कि यार आपने जाना है, तो इस लिबास से ही पता चल जाता है कि हम किस टूर पे जा रहे हैं। मेरे साथ आज जो लोग जा रहे हैं सारे अपने कज़न वगैरह हैं, मामू वगैरह हैं, तो इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक, आज हमारा सफर फिर शुरू हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, पिछले साल हम गए थे रमजान में, इस दफा इस रमजान को अल्लाह पाक ने फिर हमें मिला लिया, तो मजा आएगा इंशाल्लाह, अल्लाह के करम से इंशाल्लाह। अहमद भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसा फील कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा, बहुत मजा आने वाला है इंशाल्लाह, आपका ड्रीम पूरा होने वाला है। 15 दिन और ड्रीम आपका जो था रमजान में जाने, इस पर हमारी जो है वो बाकी काबीना बैठी हुई है, मसब साहब बैठे हुए हैं, आबिद साहब बैठे हुए हैं, बीच में इनका नाम है शाहिद पापा। तो हम बेसिकली तीन लोग इस तरफ बैठे हैं, तीन लोग इस तरफ बैठे हैं, छः लोग हैं, और बाकी के तीन लोग जो हैं हमारे वो ऑलरेडी उधर गए हुए हैं। कुछ दोस्त जो हैं मतलब हमारे वो दो कल आएंगे, तो वो सरप्राइज है। बहुत सारी लिस्ट जो चीज़ें होंगी वो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इबादत के टाइम हम आपको कुछ भी नहीं दिखाएंगे। हमारी जो एयरलाइन है वो सऊदी एयरलाइन है, ठीक है। ये लेग स्पेस एक हमें करवा दी हमारे जानने वालों ने, डैट इज़ बहुत अच्छा। यहाँ पे भी लेग स्पेस मतलब बस यार वो जानने वाले बहुत करीबी थे, बहुत करीबी थे। इधर क्यों बैठे हैं विंडो वाली साइड पर? नहीं मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ, शाहिद पापा हैं। शाहिद पापा ब्रो, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस यार, जहाज कैसा लग रहा है? देखो देखो देखो, मैं पीछे जा रहा हूँ, देखो उधर देखो यार। अच्छा यार, थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देते हैं कि हमारी लेग स्पेस वाली सीट है, लेकिन मुझे एक मसला हो रहा है सर जी, मुझे एक मसला हो रहा है। मसला ये हो रहा है कि यहाँ पे आगे स्क्रीन भी गई है यार, ये जो आगे स्क्रीन नहीं होती तो फ्रंट पे जिस गेमें गेमें छमें खेलते हैं, ये बहुत दूर है। सब पहली बार जैसे ही बैठे मैं इधर बैठी जा रहा हूँ, आपको पता था ये ना पता, जो पहली बार बैठे जाते हैं इसमें और क्या क्या होता है जी, इसमें पूरा सिस्टम आया। देखो मतलब नात वगैरह सुन सकते हैं सब, खोलो वो हेडफोन से, चलो कैमरा लाओ तो सब कुछ सुनो। सो मेहरबानी सर, बहुत मेहरबानी, इस गलत नहीं मिल पा रही बस, नहीं नहीं चलने मतलब ये। अच्छा जी, हमारे पास अब आ चुकी है, ये बेसिकली हमारी सहरी भी है और रात का डिनर भी है, और मील में सहरी है, मील में हमारे पास सबसे पहले ये जूस आ जाता है, साफी का कोई जूस है, और उसके साथ हमारे पास ये में दाल चावल कुछ ड्राई फ्रूट वगैरह के सीन्स आ जाते हैं, मतलब कार है ना, ये एक आ जाता है। इसके अंदर हम देखते हैं अपनी मील क्या है, पानी उन्होंने दिया है साथ, अलमराही, अलमराही सर हमें यहाँ पे मिल गई है, क्या कहते हैं? बस अलमराही मिस कर रहे थे आप, हैं आपके पास भी वही चीज़ें हैं सर? ये क्या है पता नहीं क्या दे दिया, मज़ा नहीं आ रहा। बिस्मिल्लाह लेके बाइट करते हैं इसको, बिस्मिल्लाह करके बाइट लेते हैं इसको, ये चेक करें क्या है पता नहीं, लेकिन चेक करते हैं क्या है इसमें, क्या है समझ नहीं आई। फ्लाइट से उतर के और जो अराइवल का टर्मिनल है उसकी तरफ जा रहे हैं। टर्मिनल को जाने से पहले आपको एक ट्रेन बस होती है बेसिकली, उसमें आपको बैठना पड़ता है और फिर वो आपको लेके जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह फ्लाइट वाज ऑन टाइम, और सऊदी एयरलाइन जो थी एज एक्सपेक्टेड द गुड क्वालिटी, फूड टेस्ट अच्छा नहीं था, बाकी इट वाज ऑल गुड। बाकी सब ये खड़े हुए हैं, कोई अपने फोन चेक कर रहे हैं, कोई क्या कर रहे हैं, गुड गुड। ये वीडियोस हमने देखी हैं बहुत, जो फेमस हुई हैं, अहला बिकुम फिशाह खैर हुआ था, ओए होए एक्वेरियम चेक कर रहे हो, क्या खूबसूरत एयरपोर्ट है जदा का।
अच्छा जी, तो अपडेट ये है कि हमने एयरपोर्ट पे सारा लगेज वगैरह लेके गाड़ी में बैठे और गाड़ी में अभी टाइम जो हो रहा है एग्जैक्ट वो 8 बजे, जो हमने ये गाड़ी करवाई है बेसिकली उसमें 6 सीटर मिली, पीछे हमारा सामान सारा पड़ा हुआ, 3 हम बैठे हैं और सीनियर पार्टी आगे बैठी है, हाजी साहब भी बैठे हैं, पापा देखे पीछे जरा, पापा भी बैठे हैं, पापा जी किधर हैं, ये हैं पापा हमारे शायद भाई। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अभी जद्दा से निकल गए तो मक्का जा रहे हैं इंशाल्लाह, देखते हैं कितना टाइम में पहुंचते हैं, आई होप सो कि घंटे डेढ़ घंटे में पहुंच जाएंगे। ظلام ثم نور وحياة من بعده। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम मक्का मुकरमा में पहुंच चुके हैं और पुरानी जो पिछली साल की यादें थी वो ताज़ा हो रही हैं ये बकाले देख के और सालोन वगैरह देख के, और ये रहा हमारा क्लॉक टावर। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ब्रो आप क्लॉक टावर देख रहे हैं, कैसी फीलिंग है? नहीं आ रहा। ओह यस, आ गया। कैसा है? तो जी हरम के करीब हम पहुंच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अभी बस थोड़ा सा जो है वो चेक इन वगैरह करते हैं टेम्प्रेरी टाइप पे, और साथ ही हम जाते हैं हरम में उम्रा अदा करते हैं और उम्रे के बाद आप लोगों को मिलते हैं। अच्छा जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा उम्रा हो चुका है और उम्रे की बाद की जो तरतीब है, क्योंकि उम्रे का सारा प्रोसेस हम दिखा नहीं सकते थे, उसकी वजह यह है कि इबादत का एक अपना टाइम होता है। खैर अभी 6:10 हो चुके हैं, 6:30 पे यहाँ पे आई गेस अफ्तारी है, 6:25 पे अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम फ्रेश वगैरह हो गए, तो कुछ फ्रेश हम इस तरह के हुए हुए हैं, अहमद साहब भी मेरे साथ हैं, गंज हो गई हमारी, हो गई यार, कैप पहनी थी, ठीक है कैप नहीं पहन सकते। अभी हम जा रहे हैं हरम में, हरम के बाहर कहीं भी देखते हैं हम अफ्तारी आज हरम की क्या मिलती है हमें, तो अभी हरम चलते हैं वहाँ से आपको अफ्तारी की अपडेट देते हैं। चलो सब अफ्तारी कर रहे हैं, लेकिन हमें अफ्तारी में आज एक खजूर एक बॉटल पानी की मिली थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब अफ्तारी हो चुकी मतलब अजान ला इला इल्लल्लाह हुई तो हमारे पास इफ्तार का बॉक्स आया, और इस इफ्तार के बॉक्स में अहमद भी दिखाएं क्या क्या चीज़ें हैं। ओ मेरा फेवरेट चीज़ पफ, चीज़ पफ आगे अहम भी दो दो, क्या बात है यार, चीज़ पफ है, एक पानी है, एक जूस है। ओए होए, शुरू करते हैं, क्या कहते हैं आप इस इफ्तारी के बारे में, ये इफ्तारी बेस्ट है कि नहीं? आज का आपका एक्सपीरियंस कैसा था उम्रे का? वैसे उम्मीद कोई नहीं थी आज, क्योंकि आज अजान हो गई थी और उसके बावजूद हम खड़े थे, लेकिन एक देखें अल्लाह दे रहना, अल्लाह दे रहना, मज़ा है सर, ये सारा लाइव लाइव एक्सपीरियंस चेक करें, सब अफ्तारी कर रहे हैं, कोई किसी से छीन नहीं रहा, कोई कुछ नहीं, अल्लाह यहाँ पे आपको खुद देता है। द थिंग इज़ कि आपने तवक्कल रखना है कि आपको वो मिलेगा जो अल्लाह ने आपको देना है। जी आज हम फिर अफ्तारी के बाद खाना खाने हैं अल्ताज़िज पे, यहाँ पे ऑर्डर करते हैं कुछ, देखते हैं क्या मिलता है, क्या मिलता है, क्या मिलता है। हमने रेगुलर में मंगवाया, ओहो कैसे खोलते हैं, ओए 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 ओए, माय फेवरेट यार, क्या बात है यार, वो मील में थी ना यार, ये इन्होंने ज्यादती की है छोटा, प्राइसेस बाद में बताऊंगा, प्राइसेस क्या थी वैसे, 26 रियाल, इसके साथ एक उन्होंने ड्रिंक दी, और इसके साथ 31 रियाल, और साथ इसके दो रोटियां दी, एक ड्रिंक दी भाई को, और चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उम्रे का पहला दिन हमने इस तरह से गुजारा था, और आज का व्लॉग हम यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, वहाँ पे मक्का में अगर हम हुए और यहाँ पे हमने कोई व्लॉग रिकॉर्ड किया तो उसकी अपडेट आपको देंगे, नहीं तो आपको मिलेंगे मदीना से। अपडेट रखिएगा कमेंट्स सेक्शन में, कमेंट्स में मुझे बताइएगा आप कभी आएँ तो आपका एक्सपीरियंस यहाँ पर कैसा रहा अल्हम्दुलिल्लाह, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मिलते हैं अगले व्लॉग में।